नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेगड़ा जी भील की, भील राजा वेगड़ा जी भील के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे और वो कहाँ पैदा हुए थे उनके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजा वेगड़ा जी भील, राजा वेगड़ा जी भील का पूरा नाम था ठाकुर वेगड़ा जी भील। ये द्रोण साम्राज्य के राजा थे। वेगड़ा जी भील का जन्म बेल राजवंश के क्षत्रिय तलपड़ा कोली परिवार में हुआ था। उन्हें ठाकुर वगदा जी भील, दादा वगदा जी भील तथा राजा विगदा जी भील के नाम से भी जाना जाता है। द किंगडम ऑफ द द्रोण समतलन काल के द्रोहन समर्थ तथा शक्तिशाली राज्य था। द द्रोण के राज्य की अपनी एक मुद्रा थी, अपना एक धन सम्पदा का जो भंडार था वो था। 14वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद वेगड़ा ने हिंदू लोगों को सत्ता में लाने तथा बदलने का काम किया। मोहम्मद वेगड़ा एक शक्तिशाली राजा था तथा उसने सत्ता के नशे से चूर होकर अपने मुस्लिम सैनिकों तथा गोरिल्ला फोर्स के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। जब इस हमले का पता राजा वेगड़ा जी भील को चला तो उन्होंने मोहम्मद वेगड़ा को जान से मारने की कसम खा ली। उनका कट्टर हिंदू रक्त गुस्से व प्रतिशोध की ज्वाला में धधक उठा। इधर राजा हमीर जी गोहिल भी इस हमले से क्रोधित थे। राजा वेगड़ा जी भील तथा हमीर जी गोहिल ने संयुक्त होकर मोहम्मद वेगड़ा की सेना में आक्रमण बोल दिया तथा यह युद्ध बहुत घनघोर था। इसमें हमीर जी गोहिल तथा राजा वेगड़ा जी भील वीरगति को प्राप्त हो गए, मगर मोहम्मद वेगड़ा की सेना उनका प्रताप सहन न कर सकी और उसे मैदान से पीछे हटना पड़ा। उस युद्ध में वेगड़ा जी भील तथा राजा हमीर मारे गए, पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटने से बचा लिया। तो दोस्तों आज हमारे मंदिर भारत भूमि पर सुरक्षित है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जो भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजा वेगड़ा जी भील का इससे बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना। अगर आप समाज से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एनएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।